शोध कार्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत कहें, हम सभी के बीच की छोटी बहन जो आज विश्व पटल पे अपना परचम लहरा रही है और मिस यूपी का खिताब जीत चुकी है, ऐसी शख्सियत खुशबू प्रजापति से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए, हम खुशबू प्रजापति जी जनपद जौनपुर में आज विशेष मुलाकात के तहत हमारे सामने हैं। जिनके सपोर्ट की वजह से आज मैंने मिस यूपी का खिताब जीता है, और अगर हमारी फैमिली और हमारे पूरे प्रजापति समाज का सहयोग इसी तरह रहा तो कल जो हमारा 23 सितंबर मिस इंडिया का प्रोग्राम होने जा रहा है जयपुर में, उसमें मैं फर्स्ट विनर अचीव करने की आशा करता हूँ। जी, तो आप अपने छोटे बहनों को और बड़ी बहनों को क्या कहेंगे कि मॉडलिंग की दुनिया में आए या जागरूक हों? जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो प्रजापति समाज है, हमारे जो प्रजापति समाज में महिलाएं हैं, हमारे प्रजापति समाज की जो बहनें हैं, हमारे समाज में महिलाओं को बहुत कम ऐसा चांस दिया जाता है कि वो आगे बढ़ें और कुछ समाज के लिए या कुछ अचीव करें। तो अगर अब चांस दिया जा रहा है तो हमें हमारे समाज की बहनों से बहुत बहुत मेरा निवेदन है कि उस चांस को खोए ना और उस चांस में ही अपना बेस्ट दें, ताकि जिस तरह मैं आज पूरे मिस यूपी का ताज अपने नाम कर सकी, आप किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई अवार्ड जरूर हासिल करो। आप बहुत मध्यम परिवार से रही हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर पता है, हम लोग हकीकत जानते हैं। ऐसे में जिस विषम परिस्थिति में आपने ये बुलंदी हासिल की, ये हौसला आपको कहाँ से मिला और आर्थिक मजबूती कहाँ से मिली, कुछ आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली सर, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहला कदम मैंने मिस इंडिया में रखा था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, ये मुझे नहीं पता था। बस मुझे मिस इंडिया का कॉम्पिटिशन और मिस इंडिया में कुछ अपना नाम बनाने का ये आशा थी कि मैं उसमें बना सकूँ, और मैंने मिस इंडिया में कदम रखा। जब मुझे पता चला कि हाँ, इसमें इतने अमाउंट लगते हैं, ऐसे लगते हैं, सिटी विनर, स्टेट विनर, हर जगह मैं अच्छा अचीव की, अच्छा रैंक रहा मेरा, और बहुत काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे थे लोग, फिर भी वो अमाउंट मेरे लिए पे करना पॉसिबल नहीं था। तो जैसे ही मैंने मिस यूपी का ग्रैंड फिनाले का देखा, इसका इवेंट हो रहा था अपने जौनपुर में, हमारे जौनपुर में है ये इवेंट हो रहा था, मैंने उसको फॉर्म को फिल किया और ऑडिशन में मैं फर्स्ट रही और अब विनर हूँ। और 2023 में जब हमारा पूरा समाज, प्रजापति समाज, हेलो प्रजापति समाज हमें सपोर्ट कर रहा है, और फिर से मैं ग्रैंड फिनाले 23 सितंबर को मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। सबसे बड़ा सहयोग अगर हम देखें तो हेलो